हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज हम करेंगे क्लास 7 इनहांस्ड इंग्लिश अलाइव कोर्स बुक से चैप्टर गुड बाय पाशा बेगम। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और डेफिनेटली आप इसको एंजॉय करोगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिंदी इज बोर्ड ऑफ साइट सीइंग मॉन्यूमेंट ऑन हर हॉलीडे एंड वॉन्ट्स टू डू समथिंग मोर एक्साइटिंग। सडनली शी टाइम्स ट्रेवल इन टू मुगल एरा रीड ऑन टू नो व्हाट हैपन नेक्स्ट। अब इसमें एक गर्ल है बिंदी, वो अपनी हॉलीडे में घूमने आई हुई है दिल्ली में। तो वो वहां पे साइट सीइंग मॉन्यूमेंट, साइट सीइंग मॉन्यूमेंट मीन्स दर्शनीय स्थल या स्मारक, जो वहां पे देखने लायक स्मारक है वो उनको देख देख के बोर हो चुकी है और कुछ ऐसा करना चाहती है जो ज्यादा रोमांचकारी हो और उसको ज्यादा आनंद आए। तभी क्या होता है, अचानक से वो मुगल एरा में टाइम ट्रेवल करती है। मुगल एरा जो मुगल साम्राज्य था, मुगल शासक थे जिस टाइम पे, उस टाइम में वो पहुंच जाती है। तो उसके बाद स्टोरी में क्या होता है वो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। आई एम श्योर ऑल दिस मार्बल स्टफ इज वेरी ब्यूटीफुल बट राइट नाउ आई एम हंग्री, थॉट बिंदी ग्रीमली। शाहजहां ओन एन एम्प्टी स्टमक इज डेफिनेटली नॉट माई सीन। वो कहती है कि आई एम श्योर, मुझे पक्का विश्वास है या मैं मानती हूँ कि जो ये मार्बल स्टफ है, जो ये स्मारक है, बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन अभी मुझे भूख लगी हुई है। ग्रिमली सीरियसली वो कहती है कि शाहजहां को खाली पेट देखने में मुझे कोई आनंद नहीं आता, मैं इसको बिल्कुल एंजॉय नहीं करती। द फैमिली वॉज ऑन हॉलीडे इन दिल्ली, जो परिवार था पूरा वो दिल्ली में छुट्टियां बिताने गया हुआ था। एंड हर बाबा, अब बाबा उसके फादर के लिए वर्ड आया है, द एम्प्टर। अब देखो ये वर्ड है, ब्रिटिश इंग्लिश में इसको प्रोनाउंस किया जाता है एम्प्टर और इंडियन इंग्लिश में एम्प्टर, और इसका मतलब होता है शौकिया तौर पे काम करना, नॉट प्रोफेशनली बट अपने शौक के लिए जो काम करती है। वो एक हिस्टोरियन है, उसके फादर है जो वो शौकिया हिस्टोरियन है, मतलब वो हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं। Was deciding where they would go. उन्होंने डिसाइड किया था कि उन्हें कहाँ जाना है। In the last 4 days, they had overdosed on history. They had traversed around the Qutub Minar, Himal's Tomb, and now the Red Fort. पिछले 4 दिनों में उन्होंने बहुत से ऐतिहासिक स्थल देखे हैं, जिससे वो अब पूरी तरह से बोर हो चुकी है। अब तक वो कुतुब मीनार, हिमालय का मकबरा और लाल किला घूम चुके थे। ट्रस्ट होते हैं धीरे धीरे चलना, मतलब बहुत सारे एफर्ट के साथ वो धीरे धीरे चलते हुए इन सभी चीजों को देख चुके थे। मॉन्यूमेंट्स आर ओके बट व्हाट अबाउट शॉपिंग एट जनपथ, चाट एट बंगाली मार्केट, शॉपिंग मॉल प्लीज। तो अब वो कहती हैं ठीक है, मॉन्यूमेंट देख रहे हैं, इट्स ओके, बट वो कहती है जनपथ जो दिल्ली का एक एरिया है, वहां पे शॉपिंग करने के बारे में क्या सोच रहे हो, वहां की चाट, बंगाली मार्केट में जो चाट मिलती है उसको खाना है और शॉपिंग मॉल को विजिट करना है, तो वो इन सब चीजों के बारे में अब सोच रही है। कम एंड लुक एट द इनले वर्क ऑन द मार्बल, बाबा बैकंड देम क्लोजर। बैकंड होता है इशारे से पास बुलाना। तो उसके जो फादर हैं वो कहते हैं कि यहाँ आओ और मार्बल पे जो वर्क किया गया है, इनले वर्क होता है किसी चीज को काट के या छोटे छोटे पीसेस से कोई जड़ाऊ काम करना, कोई ऐसी नकाशी करनी जिसमें जड़ाऊ काम हो, तो वो इनले वर्क के लिए उनको अपने पास बुलाते हैं। नेक्स्ट पेज। ओ दैट फ्लावर लुक्स सो रियल, मालिनी द ओल्डर सिस्टर ब्रीथ एडमायरिंगली। अब उसकी जो एक बड़ी बहन मालिनी वो कहती है कि वाओ कितना अच्छा फूल बना हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल रियल लगता है। पिक्चर में देखो यहाँ पे मदर फादर हैं, मालिनी और बिंदी हैं, ये सभी यहाँ घूमने आए हुए हैं और उस बिल्डिंग को, स्मारक को ये देख रहे हैं। तो जब वो फूल देखते हैं उसके बाद उसकी मदर बताती है, इट टुक डजन्स ऑफ सेपरेट पीसेज ऑफ कलर्ड स्टोन टू फॉर्म अ सिंगल फ्लावर। माँ वाज रीडिंग फ्रॉम हर ट्रेवल गाइड, तो उसकी मदर के पास एक ट्रेवल गाइड है जिसमें से पढ़ के वो बताती है कि इस एक फूल को बनाने के लिए दर्जनों अलग अलग कलर्ड स्टोन के पीसेस को जोड़ा गया है। दे वर इन साइड अनदर पेवेलियन विच माँ अनाउंस वॉज द रंग महल, द पैलेस ऑफ कलर्स। इसके बाद वो एक और पेवेलियन के अंदर जाते हैं, मतलब एक कक्ष की तरह कुछ बना हुआ है जिसके अंदर वो जाते हैं। तो माँ वहां बताती है कि ये रंग महल है, रंग महल मीन्स पैलेस ऑफ कलर्स।
बिंदी लुक्ड अराउंड एंड कुड नॉट सी एनी कलर. बिंदी चारों तरफ देखती है लेकिन उसको कोई कलर दिखाई नहीं देता. इट वॉज ऑल द सेम पेल क्रीम डर्टी लुकिंग ओल्ड मार्बल. उसको लगता है कि ये तो सारे एक जैसे ही हैं, पीले से कलर के हैं और गंदी सी लुक दे रहे हैं, पुराना मार्बल उसको दिखाई दे रहा था. बिंदी ग्लूमली ड्रैग अलोंग बिहाइंड द फैमिली. हर फीट वर एकिंग, हर आईज वर टायर्ड. आई थिंक आई विल रेस्ट अ बिट एंड ज्वाइन देम लेटर. तो बिंदी है जो थक चुकी थी, उसकी आंखें भी थकी हुई थी, पैर भी दर्द कर रहे थे, तो अपनी फैमिली से थोड़ा पीछे रह जाती है. वो सोचती है कि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूं तो मैं उनको दोबारा से ज्वाइन कर लूंगी. द स्मॉल रूम वाज क्वाइट एंड कूल. वो छोटा सा कमरा बिल्कुल शांत था और ठंडा था. शी स्लाइड ऑन टू द फ्लोर ऑन अ कॉर्नर लेनिंग अगेंस्ट द कूल स्टोन वॉल, स्ट्रेस्ड आउट हर लेग्स, डिप्ड हर हेड फॉरवर्ड एंड वॉज सून अस्लीप. शांत कमरे में एक कोने में फर्श पर ही जो ठंडी सी दीवार थी उसके साथ वो लग के लेट जाती है, अपनी टांगे फैला लेती है और उसको जल्दी ही वहां पे नींद आ जाती है. द पंगेंट मस्की स्मेल मेड हर स्नीज. बिंदी वॉक अप विद द हर्ट थर्डिंग स्टार्ट. जी सोई हुई होती है तो उसको एकदम से मीठी और तीखी सी सुगंध आती है और एक झटका लगता है जिससे वो एकदम से जाग जाती है. एज हर आईज स्नैप्ड ओपन शी रियलाइज दैट इट वॉज नाइट. अब जैसी वो आंखें खोलती है तो महसूस करती है कि ये रात हो चुकी थी. शी वॉज सिटिंग इन अ रूम लिट बाय कैंडल. वो एक ऐसे कमरे में बैठी हुई है जिसमें चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थी. हर फैमिली एंड ऑल द टूरिस्ट हैड वैनिश्ड. अब उसका परिवार और सारे टूरिस्ट वहां से जा चुके थे. शी स्क्रैम्बल्ड अप एंड लुक्ड अराउंड इन पैनिक. एकदम से खड़ी हो जाती है. मतलब एक तो पहले जब वो सोई थी वहां इतनी चहल पहल थी, उसकी फैमिली थी और भी पर्यटक थे, घूम रहे थे, लेकिन अब एकदम से कोई भी नहीं है और वो एक छोटी बच्ची है तो देख के एकदम से चौंक जाती है और डर के उठ जाती है और घबराहट में यहां वहां देखने लगती है. द कैंडल्स इन टॉल कैंडल स्टिक स्टूड इन द आर्क नीजेस ऑफ द वॉल एंड देयर वाज स्पॉट्स ऑफ डांसिंग लाइट अबव हर. शी लुक्ड अप एंड नोटिस्ड द टिनी मिरर्स सेट इन द सीलिंग दैट वर रिफ्लेक्टिंग द कैंडल फ्लेम. अब वो जब खड़ी होकर देखती है तो देखती है कि लंबी लंबी कैंडल स्टिक्स हैं, उसमें मोमबत्तियां जल रही थी. आग्ड नीचेज, वहां पे मोमबत्तियां रखने के लिए छोटे छोटे झरोखे बने हुए थे दीवारों में, वहां पे वो मोमबत्तियां रखी हुई थी और उनकी परछाइयां हर जगह पे ऐसा लग रहा था जैसे नाच रही हो. तो ऊपर की तरफ देखती है तो छत में छोटे छोटे मिरर लगे हुए थे जिन पर कैंडल की फ्लेम का रिफ्लेक्शन पड़ रहा था. वो बहुत शाइन कर रहे थे उस टाइम पे. एज बिंदी वैंडर्ड शी स्टूड पेट्रीफाइड विथ माउथ ओपन एंड हर हार्ट ग्लोपिंग. अब बिंदी बहुत हैरान थी, वो डरी हुई अपना मुंह खोले हुए खड़ी थी, मतलब बिल्कुल डर चुकी थी और उसका हार्ट बहुत तेजी से धड़क रहा था. दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था उसका. एवरीथिंग हैड चेंज्ड, हर चीज बदल चुकी थी. द फ्लोर वॉज कवर्ड विद सॉफ्ट पर्शियन कार्पेट्स वूवन इन ज्वेल्ड कलर. अब उस फ्लोर पे ऐसे कार्पेट बिछे हुए थे जो पर्शिया से आए हुए थे और ज्वेल्ड कलर के थे, ज्वेलरी के जैसे हीरे मोती होते हैं ना, उस तरह के कलर्स में वो बुने हुए थे. तो रंग महल ग्लोड इन द मेलो गोल्डन लाइट ऑफ कैंडल्स एंड टॉल ब्रास ऑयल लैम्प्स. अब जो रंग महल था वो मोमबत्ती और ऑयल के लैम्प थे उनकी गोल्डन लाइट में चमक रहा था. द ओपन आर्कवे वर हैंग विद सिल्क कर्टन्स, और जो वहां के गलियारे थे उनमें सिल्क के पर्दे लगे हुए थे. अब दिन में तो वो रंग महल बिंदी को बिल्कुल पुराना सा दिखाई देता है लेकिन इस टाइम पे वो बिल्कुल चमक रहा है, इसलिए वो बिल्कुल डरी हुई थी. अब उसको समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है. शी नोटिस दैट देयर वर ओनली वुमेन अराउंड हर वियरिंग शिमरिंग फ्लोटिंग क्लोथ्स. देयर वॉज अ हम ऑफ कॉन्वर्सेशन बट बिंदी कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग. तो वो नोटिस करती है कि उसके चारों तरफ सिर्फ औरतें थी जिन्होंने चमकदार लहराते हुए कपड़े पहन रखे थे और वो आपस में बातें कर रही थी लेकिन बिंदी उनकी बातों को समझ नहीं पाती. व्हाट आर यू डूइंग हियर गर्ल, अ हाई पेस स्क्रैची वॉइस स्पोक बिहाइंड हर मेकिंग बिंदी लीप अप. तो एकदम से उसके पीछे से एक थोड़ी खुरदरी सी रफ सी आवाज आती है कि लड़की तुम यहाँ क्या कर रही हो. तो बिंदी एकदम से उछल के खड़ी हो जाती है. अ शॉर्ट वुमन स्टूड बिफोर हर गेट बैक टू वर्क. उसके पीछे एक छोटे कद की औरत खड़ी थी, उसको कहती है कि वापस काम पे लगो. वर्क, विंदी आस्क पजल्ड, व्हाट वर्क. तो विंदी बिल्कुल पजल हो जाती है, वो कहती है काम, कैसा काम. द वर्क स्लेव गर्ल्स टू. तो उसको कहा जाता है कि जो गुलाम लड़कियां काम करती हैं वो काम करो. स्लेव गर्ल,
आर यू मैड और वट विंडीज टेम्पर वॉज अप। अब बिंदी को गुस्सा आ रहा था कि उसको स्लेव कहा जा रहा है। वो कहती है कि स्लेव गर्ल, क्या तुम पागल हो गई हो। द वुमेन हिज, डू यू नो हु यू आर टॉकिंग टू। अब वो वुमेन गुस्सा करती है, वो कहती है कि तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो। आर यू स्पीकिंग इन उर्दू बाय एन चांस, बिंदी आस्क्ड इंक्विजिटिवली। तो बिंदी जिज्ञासा वश पूछती है कि क्या तुम उर्दू में बात कर रही हो। अब देखो वो तो घूमने आई हुई थी, एकदम से वो टाइम ट्रेवल करके मुगल इरा में पहुंच चुकी है, तो इसलिए उसको अब सारी चीजें अजीब लग रही हैं। वहां पे जो औरतें हैं उस टाइम की वो उसको दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो उनको समझ नहीं पा रही, इसलिए वो बिल्कुल डरी हुई है। तो वो उनसे पूछती है कि आप लोग उर्दू में बात कर रहे हो। तो उसके बाद दैट्स इनफ, द वुमन मटर्ड थ्रू ग्रेटर टीथ एंड क्लैप्ड हर हैंड। तो वो औरत अपने दांतों को भींचते हुए गुस्से से और हाथों से क्लैप करती है, जैसे आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि रानियां कैसे क्लैप करती थी, ताली बजाती थी, तो उनके सेवक वहां पे पहुंच जाते थे। कोई है, शी आस्क्ड, एंड इंस्टेंटली टू वुमेन रैन अप एंड स्टूड बोइंग बिफोर हर, ब्रिंग दिस गर्ल टू माई रूम, शी हैज टू बी पनिश्ड। तो वो कहती है कि कोई है क्या यहाँ पे, कोई है। तो तभी दो औरतें भाग के उसके सामने आती हैं और सिर झुका के खड़ी हो जाती हैं। वो उन औरतों से कहती है कि इस लड़की को मेरे कमरे में लेके आओ, इसको पनिशमेंट दी जाएगी। द मेड्स कॉट बिंदी बाय हर आर्म्स, दे टाइड हर हैंड विद द स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ एंड पुश्ड हर डाउन। अब जो वो मेड्स हैं वो बिंदी को उसकी आर्म से पकड़ के ले जाती हैं, उसके हाथों पे एक कपड़ा बांध देते हैं और उसको धक्का देके नीचे गिरा देती हैं। बेगम साहिबा लीन्ड फॉरवर्ड विद द माइनसिंग स्नॉल, नो वन गेट्स अवे आफ्टर इंसल्टिंग अ प्रिंसेस ऑफ तिमूरिया डायनेस्टी। तो अब जो बेगम साहिबा, उस टाइम की जो मुस्लिम होती थी हाई रैंक की, उनको बेगम साहिबा के नाम से जाना जाता था, तो वो एक जैसे धमकी भरे ढंग से उसको झुक के कहती है कि तिमूरिया वंश की राजकुमारी के इंसल्ट करने वाला कोई बच नहीं सकता। द बेगम रेज द विप, अब वो जो बेगम है वो अपना विप हंटर उठा लेती है, जो कोड़ा होता है, लेके टाइम में पनिशमेंट देने के लिए कोड़े मारे जाते थे। स्टॉप सेट अ काम फर्म वॉइस, लेट हर गो इमिडिएटली। तभी एक बहुत ही शांत और दृढ़ आवाज आती है कि रुको, इसको जाने दो, जल्दी जाने दो। द बेगम फ्रोज, द टॉल वोमैन विद लार्ज जेंटल आईज स्टूड एट द डोर। तो जो बेगम है वो वहीं रुक जाती है, डोर पे एक बड़ी और गहरी आंखों वाली एक लंबी औरत खड़ी हुई थी। व्हाट आर यू डूइंग रोशन, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू दैट नो वन विल बी विप्ड। वो औरत आई है, वो कहती है कि रोशन मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि किसी को कोड़े नहीं मारे जाएंगे। दिस गर्ल इज इम्पेरिनेंट आपा, तो वो कहती है आपा, आपा मीन्स बड़ी बहन, मुस्लिम लोग अपनी बड़ी बहन को आपा बोलते थे। तो वो कहती है कि ये लड़की इम्पेरिनेंट मीन्स जो रूड हो, जो रिस्पेक्ट ना शो करे। ये वो कहती है कि आपा ये लड़की बहुत रूड है, ये कोई रिस्पेक्ट शो नहीं करती। इफ एनीवन इज अनडिसिप्लिन्ड दे आर टू बी ब्रॉट बिफोर मी, द लेडी स्पोक सॉफ्टली, आई एम द हेड ऑफ द हर्म, शी टर्न टू द मेड्स, अनटाई हर हैंड्स। तो वो कहती है कि अगर कोई अनडिसिप्लिन्ड है, अनुशासन में नहीं है, तो उसको मेरे सामने लेके आओ। वो लेडी बिल्कुल आराम से बोल रही थी और वो कह रही थी कि मैं इस हरम की हेड हूं। हरम ऐसा स्थान जहां पे मुस्लिम औरतें रहती थी, उसको हरम बोला जाता था, उनके रहने के स्थान को हरम कहा जाता था। तो उसके बाद वो मेड्स की तरफ मुड़ के कहती है कि इसके हाथ खोल दो। जी पाशा बेगम, द मेड्स बोर्ड एंड बिंदीज आर्म वर फ्री। और वो तो जो मेड्स हैं वो पाशा बेगम की तरफ थोड़ा झुक के कहती है कि हम अभी इसकी आर्म्स को खोल देते हैं। थैंक यू मैम, बिंदी साइड एंड रिलीफ, माई नेम इज बिंदी। तो बिंदी थोड़ा राहत की सांस लेती है और कहती है कि आपका धन्यवाद, और अपना नाम बताती है कि मेरा नाम बिंदी है। देयर वॉज अ फ्लिकर ऑफ स्माइल एट द एजेस ऑफ द पेल पिंक लिप्स, आई एम वेरी प्लीज टू मीट यू बिंदी, फॉलो मी चाइल्ड। उसके जो गुलाबी रंग के होंठ है पाशा बेगम के, उसपे हल्की सी स्माइल आती है और वो कहती है कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई और तुम अब मेरे साथ चलो। बिंदी फॉलोड हर आउट ऑफ द कैलास्ट्रोफोबिक रूम टू एन ओपन टेरेस एंड टुक अ डीप शेकी ब्रीथ ऑफ द फ्रेश नाइट एयर एज शी लुक्ड अप एट द नाइट स्काई स्टर विद स्पार्कलिंग स्टार्स, शी स्पॉटेड अ वाइट स्ट्रीम ऑफ वाटर शिमरिंग सिल्वर इन द मूनलाइट। उसके बाद बिंदी इसको फॉलो करती है। कैलास्ट्रोफोबिक मीन्स होता है कि एक ऐसा छोटा बंद कमरा जहां पे अनकंफर्टेबल फीलिंग उसको महसूस हो रही थी, वहां से निकल के वो एक ओपन टेरेस पे आ जाती हैं। वहां पे
वो एक लंबी सांस लेती है रात की ठंडी ताजी हवा में और आसमान की तरफ देखती है जिसमें तारे चमक रहे थे। उसके बाद वो पानी की एक बड़ी धारा देखती है जिसपे चांद की रोशनी पड़ रही थी और चांद की रोशनी में वो चमक रही थी। दैट्स द जमुना रिवर, विंदी थॉट। इट इज फॉलोइंग राइट बिलो द वॉल्स ऑफ द फोर्ट। तो बिंदी सोचती है कि ये जरूर जमुना नदी होगी जो इस किले की दीवारों के साथ बह रही है। बिंदी फॉलोड द लेडी इनटू अ क्वाइट रूम। अब बिंदी उस लेडी के साथ साथ एक शांत कमरे में जाती है। शी नोटिस दैट द नीचेस इन द वॉल हेल्ड बुक्स। अब उस रूम में वो नोटिस करती है कि दीवारों में जो नीचेस जो झरोखे बने हुए, जो छोटे छोटे देखो जो अलमारी टाइप के कुछ बने हुए है ना, इसमें बुक्स पड़ी हुई थी। There was a big mound volume placed on a wooden stand. Bindi bent to look at open page and saw a delicate colored miniature painting. तो वहां पे एक वुडन स्टैंड पे एक बड़ा सा संग्रह खुला हुआ था। तो बिंदी थोड़ा झुक के उस खुले हुए पेज पे देखती है कि वहां पे एक छोटी सी कलरफुल पेंटिंग बनी हुई थी। This is the दरगाह of great Sufi संत शेख निजामुद्दीन औलिया। पाशा बेगम स्पोक एज बिंदी स्टडीड द पेंटिंग ऑफ अडॉर्न्ड बिल्डिंग। बिंदी उस पेंटिंग को समझने की कोशिश कर रही थी तो उस टाइम पे पाशा बेगम बताती है कि ये ग्रेट संत हैं जो महान सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया, उनकी दरगाह है। बिंदी सडनली रिमेम्बर्ड वी वेंट देयर यस्टरडे एंड अ मैन वॉज सिंगिंग अ लवली सॉन्ग। तो बिंदी को याद आता है कि हम कल ही वहां गए थे और एक आदमी वहां पे बहुत ही प्यारा सा गीत गा रहा था। अब बिंदी घूमने आई हुई है दिल्ली में तो उसने वो दरगाह देखी थी तो उसको ये याद आ जाता है। तो कहती है कि वहां कोई आदमी गाना गा रहा था। अब पाशा बेगम अपने टाइम की बात कर रही है और बिंदी अपने टाइम की बात कर रही है। तो मस्ट बी अ कवाली ऑफ द पोएट अमीर खुसरो। तो पाशा बेगम सोचती है कि वहां पे अमीर खुसरो होगा क्योंकि उनके टाइम पे अमीर खुसरो जो वहां के कवि थे वो वहां पे कवाली किया करते थे। तो वो सोचती है कि शायद अमीर खुसरो होंगे वहां पे। थैंक यू सैड बिंदी, आई नियरली गोट बिप्ड बाय दैट लेडी। तो बिंदी कहती है कि आपका धन्यवाद, मैं तो आज पिटने वाली थी उस लेडी से। देयर वॉज एन अम्यूज्ड ग्लीम इन द लार्ज आईज। द लेडी इज माई यंगर सिस्टर रोशन। यू सी आई वॉज स्टेइंग इन आगरा विद अवर फादर। ही डाइड एंड द वाशा ब्रॉट मी बैक टू दिल्ली एंड मेड मी द हेड अगेन। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में खुशी देने वाली चमक थी और वो लेडी बताती है कि वो मेरी छोटी बहन रोशन है। हम पहले आगरा में अपने पिता के साथ रहते थे लेकिन जब उसकी डेथ हो गई तो बादशाह मुझे वापस दिल्ली ले आए और मुझे इस हरम की हेड बना दिया। डू यू राइट पाशा बेगम, क्या आप लिखते हो पाशा बेगम? आई एम राइटिंग ए बुक ऑन द ग्रेट सूफी सेंट ऑफ हिंदुस्तान। तो वो कहती है कि हिंदुस्तान के जो महान सूफी संत है मैं उनके बारे में किताब लिख रही हूँ। यू स्मेल ऑफ जैस्मीन एंड रोजेज। तो वो कहती है कि आप में से जैस्मीन और रोजेस की खुशबू आ रही है। माय ग्रेट आंट बेगम नूर जहां क्रिएटेड द अदर ऑफ रोजेस एंड आई मिक्स दैट विद द सेंस ऑफ जैस्मीन एंड सैंडलवुड क्रिएट माय ओन परफ्यूम। तो कहती है कि मेरी जो ग्रेट आंट थी बेगम नूर जहां, उन्होंने रोजेस का इत्र बनाया था जिसमें मैंने जैस्मीन और चंदन की खुशबू एड कर दी और वो मेरा अपना परफ्यूम बन गया। शी रीज आउट स्लिम आर्म टूवर्ड्स बिंदी हु वेंट हर हेड टू स्नेप डीपली एट हर रिस्ट लाइक इट। पाशा बेगम ने अपनी आर्म बिंदी की तरफ बढ़ाई और बिंदी ने उसके परफ्यूम को सूंघ के देखा। तो पाशा बेगम पूछती है क्या तुम्हें यह पसंद आया? ओ यस, इट स्मेल्स ऑफ स्प्रिंग। तो इसमें स्प्रिंग की सीजन जैसी खुशबू आ रही है, जैसे स्प्रिंग के सीजन में अलग अलग फूलों की खुशबू आती है वैसी यहां से आ रही है। बिंदी कुड नॉट स्टॉप हरसेल्फ एंड रीस्ट आउट टू टच द रिस्ट एंड इट फेल्ट लाइक शी वॉज टचिंग अ क्लाउड। अब बिंदी अपने आप को उसको छूने से रोक नहीं सकी तो जैसे ही उसको उसकी रिस्ट को टच करती है तो वो महसूस करती है जैसे उसने किसी बादल को छू लिया हो। शी लुक्ड अप एंड पाशा बेगम हैड वैनिश्ड एंड देन एवरीथिंग वेंट डार्क। तो फिर वो जब देखती है कि पाशा बेगम वहां पे नहीं थी और वहां अंधेरा हो चुका था। बिंदी ब्लिंक्ड एंड लुक्ड अराउंड फीलिंग कंफ्यूज्ड। बिंदी पलके झपकती है और अपने चारों तरफ देखती है, वो कंफ्यूज्ड महसूस करती है। वेयर वॉज पाशा बेगम? तो सोचती है पाशा बेगम कहाँ गई। शी डिस्कवर्ड शी वॉज सिटिंग क्राउस्ड इन द रूम एंड इट वॉज बेयर अगेन। तो वो देखती है कि वो एक रूम में अकेली बैठी हुई है और वो रूम फिर से बिल्कुल खाली है। बिंदी स्क्रैम्ड अप एंड सा हर फैमिली। माँ गेव अ ह्यूज स्माइल एंड आस्क्ड वेयर डिड यू गो।
तो बिंदी खड़ी हो जाती है और अपनी फैमिली को देखती है, माँ उसको देख के मुस्कुराती है और पूछती है तुम कहाँ गई थी। आई सैट देयर, बिंदी पॉइंटेड बिहाइंड हर, बिंदी अपने पीछे इशारा करके कहती है कि मैं यहाँ बैठी थी। एज दे स्ट्रोल डाउन द आर्केडेड बाजार टुवर्ड द लाहौरी गेट, बिंदी आस्क्ड हर फादर, बाबा हु वॉज पाशा बेगम। अब वो लाहौरी गेट की तरफ, आर्केडेड बाजार एक ऐसा बाजार जिसमें मेहराबे बनी हुई है, जो ये जो गोल इस तरह की शेप में बनी हुई होती है, ऐसा वो बाजार था। और बिंदी वहां भी अपने फादर से पूछती है कि पाशा बेगम कौन थी। पाशा और पाशा बेगम वॉज द टाइटल ऑफ प्रिंस जहां, डॉटर ऑफ शाहजहां, बिकॉज शी वॉज द हेड ऑफ मुगल हरम। तो उसके फादर बताते हैं कि पाशा या पादशाह बेगम प्रिंसेस जहांआरा, जो राजकुमारी जहांआरा थी, उसका टाइटल था, जो शाहजहां की बेटी थी, क्योंकि वो मुगल हरम की हेड थी, इसलिए उसको पाशा बेगम कहा जाता था। असल में उसका नाम था जहांआरा। हाँ, सिस्टर वॉज रोशन आरा, राइट? वो कहती है कि उसकी बहन का नाम रोशन आरा था। करेक्ट। वेन हर मदर मुमताज महल डाइड, जहांआरा वॉज जस्ट 17। अब जब उसकी मदर मुमताज महल की डेथ हुई, उस टाइम जहांआरा सिर्फ 17 वर्ष की थी। शी वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ हरम इन हर मदर्स प्लेस। तो उस टाइम पे उसको उसकी माँ की जगह पे उस हरम का हेड बना दिया गया था। वेन शाहजहां फेल इल, हिज फोर्थ सन दाराशिकोह, शुजा, मुराद एंड औरंगजेब बिगेन टू फाइट फॉर द थ्रोन। तो जब शाहजहां बीमार पड़ गया, उसके चारों बेटे दाराशिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब वहां पे सिंहासन के लिए लड़ने लगे कि कौन राजा बनेगा। जहां आरा स्पॉटेड दारा एंड रोशन आरा वाज ऑन औरंगजेब साइड। अब जो दोनों बहनें थी, उनमें से जहां आरा तो दारा की तरफ थी और रोशन आरा औरंगजेब की तरफ थी। फिर उस लड़ाई में क्या होता है, औरंगजेब किल्ड दारा एंड मुराद। जो औरंगजेब है वो दारा और मुराद को मार देता है। और शुजा रैन अवे एंड वॉज नेवर हर्ड ऑफ अगेन। और शुजा वहां से भाग जाता है और बाद में उसके बारे में कुछ पता भी नहीं चलता। अब चार भाई थे, दो तो मारे गए, एक वहां से भाग गया। तो इस तरह से औरंगजेब इम्प्रेजेंट हिज ओल्ड फादर इन आगरा फोर्ट। एंड तो उसके बाद औरंगजेब अपने पिता को जो आगरे का किला है वहां पे बंदी बना लेता है। एंड जहां आरा स्टेड विद हर फादर, और जहां आरा अपने पिता के साथ वहीं पे रुकती है। यस, फॉर 8 ईयर्स। हे, यू आर गेटिंग इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, एक्सक्लेम्ड माँ। तो अब उसकी माँ कहती है कि हाँ, अब तुम्हें हिस्ट्री में मजा आ रहा है, इंजॉय कर रही हो तुम इसको। वॉट हैपन्ड वेन शाहजहां डाइड, मालिनी ज्वाइंड इन। तो उसकी बड़ी बहन है मालिनी, वो उनको ज्वाइन करते हुए कहती है कि जब शाहजहां की डेथ, दे वेंट टू आगरा एंड ब्रॉट जहांआरा बैक टू दिल्ली। तो औरंगजेब दोबारा से आगरा जाता है और जहांआरा को दिल्ली ले आता है। ही मेड हर द हेड ऑफ हरम अगेन। वो वहां पे जाके उसको हरम की हेड बना देता है। ड्यूरिंग हर फादर्स रेन शी वॉज कॉल्ड बेगम साहिबा, बट औरंगजेब गेव हर द न्यू टाइटल ऑफ पाशा बेगम, द प्रिंसेस रॉयल। तो उसके फादर के टाइम में, मतलब शाहजहां के टाइम में, उसको बेगम साहिब कहा जाता था, लेकिन औरंगजेब उसको नया टाइटल देता है पाशा बेगम का, जिसका मतलब होता है रॉयल प्रिंसेस। व्हाट अ फैमिली दीज तिमुरिड, सेड हर माँ। उसकी माँ कहती है कि इन तिमुरिड का परिवार कैसा था। आई थॉट दे वर कॉल्ड द मुगल, सेड मालिनी। तो मालिनी कहती है कि शायद उनको मुगल कहा जाता था। दे प्रेफर टू कॉल देमसेल्स तिमूरिया, एयर डेसिडेंट्स ऑफ पर्शियन कंकर तिमूर द लैम। वो अपने आप को तिमूरिया कहलाना पसंद करते थे, क्योंकि वो अपने आप को पर्शिया का शासक था, जो तिमूर लंग उसके वंशज मानते थे। एंड वॉट हैपन टू जहांआरा, तो जहांआरा के साथ बाद में क्या हुआ। शी लिव्ड इन टू हर 60 पीसफुली, रीडिंग बुक्स, राइटिंग पोएट्री एंड डूइंग चैरिटी। शी वॉज बरेड एट निजामुद्दीन, शी वॉज बरी नियर द टॉम्ब ऑफ हर फेवरेट सेंट। बिंदी सडनली रिमेम्बर्ड एवरीथिंग। जहां आ रहा है वो अपनी 60s तक, मतलब 60 साल की उम्र तक वहां शांतिपूर्वक रही। वो किताबें पढ़ती थी, पोएट्री लिखती थी और दान पुण्य का काम करती थी। फिर उसको दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया, जो उसके फेवरेट सेंट थे निजामुद्दीन औलिया, उनकी कब्र के पास उसको दफनाया गया। अब बिंदी को सारा कुछ याद आ गया कि जब वो मुगल ईरा में गई थी तो उसने देखा था कि वहां पे सेंट की दरगाह की एक पेंटिंग पड़ी हुई थी, तो वो पाशा बेगम के फेवरेट सेंट थे। तो उसकी जो कब्र है वो उसके फेवरेट सेंट की कब्र के बिल्कुल नजदीक बनाई गई थी। शी थॉट ऑफ द मार्बल ग्रेव ऑन विच ग्रीन ग्रास एंड प्लांट्स ग्रू, बिकॉज जहांआरा वॉन्टेड हर ग्रेव टू बी ओपन टू द स्काई, द सन एंड द रेन। बिंदी क्लोज हर आईज थिंकिंग ऑफ द जेंटल सैरिन फेस। तब
बिंदी है मार्बल ग्रेव के बारे में सोचती है जिसपे घास और पौधे उगे हुए थे, क्योंकि जहां रजाती थी कि उसकी जो कवर है वो खुले आसमान के नीचे हो, जहां पे सूरज की रोशनी पहुंचे और बारिश का पानी पहुंचे। बिंदी अपनी आंखें बंद करके उस जेंटल फेस के बारे में सोचने लगी। गुड बाय पाशा बेगम, शी विस्पर्ड एज अ सॉफ्ट ब्रीज ब्लू अक्रॉस हर फेस लाइक अ जेंटल हैंड स्ट्रोकिंग हर चीक्स। Then just for a magical moment, a swirl of jasmine floated past, fragrantly enveloping her in a gentle farewell. अब वो धीरे से पाशा बेगम को गुड बाय कहती है और उसको ऐसा महसूस होता है जैसे कि सॉफ्ट ब्रीज में किसी बहुत ही प्यारे से हाथ ने उसके गालों को छुआ हो, और फिर वो एक मैजिकल मोमेंट फील करती है जिसमें उसको पास्ट की वो जैस्मिन वाली खुशबू दोबारा से महसूस होती है और वो उसको जैसे जेंटल फेयरवेल दे रही हो। तो इस तरह से बिंदी ने एक टाइम ट्रेवल किया जिससे वो मुगल एरा में जाके आई और उसने पाशा बेगम के साथ अपनी मीटिंग को बहुत एंजॉय किया। आई थिंक आपको स्टोरी समझ आ चुकी होगी और आपने इसको एंजॉय किया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।